हेलो फ्रेंड, मैं डॉक्टर हृदय शर्मा इतिहास की इस नई क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज जो हमारी चर्चा होगी मित्रों आपसे, वह होगी मुसोलिनी के ऊपर। इटली में फासीवाद के नेता मुसोलिनी की विदेश नीति पर समीक्षात्मक टिप्पणी लिखिए, इस पर हमारी चर्चा होनी है। इसमें जैसा कि आप जानते हैं कि इस प्रश्न के अंतर्गत हम पहले चर्चा करेंगे मुसोलिनी के प्रारंभिक जीवन पर, दूसरी चर्चा होगी मुसोलिनी की विदेश नीति के उद्देश्य एम पर, और तीसरी चर्चा होगी मुसोलिनी के विदेश नीति के विभिन्न चरण कंक्लूजन निष्कर्ष हम निकालेंगे। तो जैसा कि अब हम चर्चा करते हैं मुसोलिनी के प्रारंभिक जीवन पर, अगर उसकी अर्ली लाइफ पर हम चर्चा करें तो वेनेटो मुसोलिनी का जन्म सन 1883 में रोमानिया गांव उत्तरी इटली में हुआ था। इसके पिता एक लोहार थे और माता शिक्षिका थी। इनकी प्रारंभिक जो शिक्षा दीक्षा है वो लोजान में, जो स्विट्जरलैंड में लोजान में वर्न में हुई थी, और हम देखते हैं उसके बाद जो पढ़ाई लिखाई करने के बाद आए ये टीचर बन गए। प्रारंभ में ये समाजवादी विचारधारा के थे, धीरे धीरे ये उग्र राष्ट्रवाद की तरफ बढ़ रहे थे। अवंतिका और डी पेपलियो नाम के दो न्यूज़पेपर इन्होंने स्टार्ट किए थे। जब प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ तो वेनेटो मुसोलिनी सेना में शामिल हो गए और कॉर्पोरल की उन्होंने उपाधि हासिल की थी। उसके बाद हम देख रहे हैं कि सेना से जब लौटे तो उस समय इटली की स्थिति बहुत ज़्यादा दयनीय हो गई थी, आर्थिक बोझ था, और जो फर्स्ट वर्ल्ड वार में विजेता होने के बावजूद भी उसे संधि जनित जो बंटवारा मिलना था उसकी उसमें उपेक्षा की गई, तो इन सब से बड़ी निराशा थी। और इटली ने, बेनेटो मुसोलिनी ने वर्ष 1919 में एक नई पार्टी बनाई, फासिस्ट पार्टी की उसने स्थापना की। फासिस्ट पार्टी का ये जो है प्रतीक चिन्ह है, इसमें जो है लट्ठों का जो बंडल है बंधा हुआ और फरसा लगा हुआ है, ये स्ट्रेंथ यूनिटी और डिसिप्लिन का प्रतीक है। और ये इसकी जो उत्पत्ति है वो फेसियो शब्द से हुई थी, फेसियो शब्द से। तो इस तरीके से देखते हैं हम, उन्होंने फासिस्ट पार्टी बनाई और उसके बाद फासिस्ट पार्टी तेज़ी से आगे बढ़ी। और हम जानते हैं कि इसके जो अनुयायी थे, जो फॉलोअर थे, वो ब्लैक शर्ट पहनते थे। तो एक तरीके से काली शर्ट एक मूवमेंट स्टार्ट हुआ। और उसके बाद जो सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है वर्ल्ड हिस्ट्री में, इटली की हिस्ट्री में, वह है रोम मार्च, मुसोलिनी का रोम मार्च। नेपल्स से रवाना हुए रोम के लिए, और ये घटना हुई 22 अक्टूबर 1922 को। और उसके बाद हम देखते हैं कि 29 अक्टूबर को वेनेटो मुसोलिनी ने रोम में कदम रखा, और उस दिन उन्होंने कहा था कि अब कोई मंत्रिमंडल काम नहीं करेगा, लेकिन कल से उनकी सरकार काम करेगी। और 30 अक्टूबर को मुसोलिनी को विक्टर एमनुअल, जो इटली के सम्राट थे, उन्होंने 30 अक्टूबर 1922 को वेनेटो मुसोलिनी को प्रधानमंत्री पद की शपथ दिला दी। बस यहीं से हम लोग स्टार्ट करते हैं कि आगे अब क्या होने वाला है। जैसा कि आप जानते हैं कि मुसोलिनी की जो विदेश नीति है उसके कई चरण हैं। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे बेनेटो मुसोलिनी के विदेश नीति के उद्देश्यों पर। बेनेटो मुसोलिनी के विदेश नीति के क्या उद्देश्य थे, पहले ये समझ लीजिए। सबसे पहला तो है मित्र राष्ट्रों से प्रतिशोध लेना। हम आपको बता दें कि 26 अप्रैल सन 1916 को मित्र राष्ट्रों ने, यानी ब्रिटेन फ्रांस ने, इटली को अपने पाले में लाने के लिए, वर्ल्ड वार के दौरान इटली को अपने पाले में लाने के लिए, अपने ग्रुप में लाने के लिए लंदन की संधि की थी। ये गोपनीय संधि थी और इस संधि में ये तय हुआ था कि इटली को लिंगुरियन सी में, एड्रियाटिक सी में, फ्यूम, स्पिल्ट, बहुत सारे इलाके मिलने थे। इसमें उन्हें कर्फ्यू भी मिलना था, ये तमाम इलाकों की चर्चा हुई थी, उसे रोड्स मिलना था, और ये जो डेडिकनीज है ये सब प्राप्त होने थे। लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद जब पेरिस शांति सम्मेलन हो रहा था तो उस दौरान मित्र राष्ट्रों ने जो संधि 1916 में की उस पर उन्होंने कहा कि विल्सन के जो 14 सूत्र हैं उनमें गोपनीय संधियों की मनाही की गई है, यानी सभी प्रकार की गोपनीय संधियां जो इससे पहले हुई हैं हम उस सबको रिजेक्ट कर रहे हैं। और इस तरीके से इटली के साथ विश्वासघात हो गया। प्रथम विश्व युद्ध में भले ही इटली विजयी रहा, लेकिन
इसमें लगभग 10 करोड़ पौंड का इस पर कर्जा चढ़ गया था, ऊपर से लगभग 3 करोड़ डॉलर की संपत्ति नष्ट हुई थी, इटली की आर्थिक दशा दयनीय हो गई थी। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि बेनिटो मुसोलिनी की पहला उद्देश्य है मित्र राष्ट्रों से बदला लेना, और जो 1916 की संधि है जिसमें संधि जनित बंटवारे में जो उसकी उपेक्षा की गई थी, उसे कुछ नहीं दिया गया, उसका हिसाब बराबर करना, तो पहली रणनीति है। दूसरी जो उसकी नीति का उद्देश्य है वह है भूमध्य सागर, ये जो दिखाई पड़ रहा है मेडिटेरियन सी, इसे इटली की झील में कन्वर्ट करना। आप देख रहे हैं कि भूमध्य सागर में सबसे दमदार अगर कोई दिखाई पड़ रहा है तो वह इटली है, तो वह इटली की जो है कि एक झील बनाना चाहता था भूमध्य सागर को, यानी उसकी विदेश नीति अब भूमध्य सागर के आसपास ही घूमने वाली थी जबरदस्त तरीके से। तीसरा, वो इटली को एक बड़ी ताकत बनाना चाहता था। चौथा जो पॉइंट है वह है उपनिवेशवाद, कॉलोनिज्म को बढ़ावा देना चाह रहा था, वह अफ्रीका में उपनिवेश की होड़ में अब शामिल होने जा रहा था। इसके अलावा उसकी युद्ध उन्माद की भी आकांक्षा थी, वह साफ कहता था कि जो शांति वगैरह है ये थोड़े समय के लिए ही आती है, मनुष्य को हमेशा युद्धरत रहना चाहिए। उसने कभी कहा भी था कि जिस प्रकार से एक नारी के लिए नारीत्व का होना आवश्यक है, उसी प्रकार से एक मनुष्य के लिए, एक व्यक्ति के लिए युद्धरत होना उतना ही आवश्यक है। तो ये जो चार पांच नीति हैं ये उसकी विदेश नीति को तय करने वाली थी। अब हम उसकी विदेश नीति के जो चरण पढ़ेंगे कि अब बेनिटो मुसोलिनी, जैसा कि आपको मालूम है कि 30 अक्टूबर 1922 को उसने शपथ ले ली है और वो इटली का प्रधानमंत्री नियुक्त हो गया है। अब वह क्या करने वाला है, जैसा कि हम देख रहे हैं पहला चरण शुरू होता है डोडेकानीज और रोड्स द्वीपों का सैनिकरण 1923 में, 22 में उसने शपथ ली है और 23 में उसने फर्स्ट स्टेप उठाया है। डोडेकानीज और रोड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये तुर्की के आसपास के इलाके हैं और ये इलाके जो है सेप्रे की संधि से ये यूनान को प्राप्त हुए थे और तुर्की को इस बात का कष्ट था, इसलिए तुर्की ने इन पर आक्रमण किया यूनान पर और यूनान को पराजित किया। लेकिन उसके बाद सेप्रे की संधि के बाद लोजान की संधि हुई वर्ष 1923 में, और इस तरीके से ये रोड्स और डेडेकानीज जो इलाके हैं, ये दिखाई पड़ रहे हैं लिंगुरियन सी में, ये इलाके इटली को प्राप्त हो गए और इटली ने यहाँ पर अपना मिलिटनाइजेशन करना स्टार्ट कर दिया, सैनिकों की संख्या बढ़ाना स्टार्ट कर दिया, यानी उसका विदेश नीति का पहला चरण यही था डोडेकानीज और रोड्स द्वीपों का सैनिकरण करना। जैसा कि हमारी चर्चा हो चुकी है, मैंने आपको बता दिया कि ये ग्रीस को मिले थे सेब्रे की संधि में, जबकि पहले से ये इटली के भाग थे, लेकिन सेब्रे की संधि जो हुई थी उसमें ये जो ग्रीस को मिले, और तुर्की के जो सम्राट थे कमल पासा, उन्होंने ये ग्रीस पर आक्रमण करके उससे छीनने का प्रयास किया। जब दोबारा से संधि हुई लोजान नाम की जगह पर वर्ष 1923 में, तो ये दोनों जो द्वीप हैं, ये इलाका है, ये इटली को प्राप्त हो गया और मुसोलिनी ने कोई देर नहीं की और इन दोनों इलाकों का, इन द्वीप समूहों का उसने सैनिकरण यानी मिलिटराइजेशन कर दिया, एक तरीके से फोर्टिफिकेशन, किलेबंदी करना भी स्टार्ट कर दिया था। ये पहला चरण था। दूसरा चरण है टायरोल के प्रति उसकी नीति, पॉलिसी टुवर्ड टायरोल। ये टायरोल कहाँ है, जरा ये ध्यान दो, ये आपको इटली का मैप दिखाई पड़ रहा है और इटली के मैप में जो स्लोवाकिया है यहीं पर टायरोल्स है। अब इसके बारे में जान लीजिए, पेरिस शांति सम्मेलन के दौरान जो टायरोल का ट्रेटिनो नाम का जो क्षेत्र है, यानी ये क्षेत्र है, ये इटली को प्राप्त हुआ था। मुसोलिनी ने इस क्षेत्र को अपने अधिकार में कर लिया, लेकिन वहाँ पर इटलियन की जो संख्या वो कम थी और वो इलाका जर्मन बहुल था, जर्मनों की संख्या ज़्यादा थी। इसने बड़ी सफाई से वहाँ पर जो गैर इटालियन थे उसे इटालियन में मर्ज करना स्टार्ट कर दिया, और जब राजसंघ ने इसकी शिकायत हुई राजसंघ में, तो उसने कहा कि ये हमारा पर्सनल मामला है, व्यक्तिगत मामला है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि राजसंघ की दुर्बलता हमें यहीं दिखाई पड़ रही है, और पूरा के पूरा जो टायरोल्स है उसे पूरी तरह से इटालियन में कन्वर्ट कर दिया। तो ये उसकी विदेश नीति का दूसरा चरण था। तीसरे चरण में हम देखते हैं कर्फ्यू पर बम बरसा, वर्ष 1923। कर्फ्यू, ये जो दिखाई पड़ रहा है बच्चों आपको, ये कर्फ्यू है, ये छोटा सा एक आइलैंड है, ये ग्रीस और अल्बानिया की सीमा के दोनों के बीचों में है। ग्रीस और अल्बानिया में सीमा का विवाद चल रहा था और राजसंघ ने जहाँ जो एक डेलीगेट्स भेजा था, एक शिष्टमंडल भेजा था, उसमें इटालियन अधिकारी भी थे,
और वहाँ पर ग्रीस में जो है उनकी हत्या कर दी गई। जाहिर सी बात है वेनिटो मुसोलिनी से बड़े नाराज हुए और उन्होंने ग्रीस यानी यूनान से कहा कि आप 5 करोड़ युद्ध हर्जाना देंगे, 5 करोड़ लीरा युद्ध हर्जाना देंगे, और साथ में उसने अगर नहीं मानी गई और अपराधियों को अगर दंडित नहीं किया तो हम बम बरसा कर देंगे। जाहिर सी बात है ग्रीस के पास इतने पैसे थे नहीं, और इसलिए इसका फ़ायदा उठाकर इटली ने ज़बरदस्त कर्फ्यू पर, जो कर्फ्यू नाम का जो है शहर है, इस पर ज़बरदस्त बम बरसा कर दी। नतीजा ये हुआ, उस पर अधिकारी करने के प्लान में था हुआ, लेकिन राष्ट्रसंघ की और ब्रिटेन और फ्रांस के जो है इंटरफेयर करने के बाद उसने कर्फ्यू तो खाली कर दिया, लेकिन 5 करोड़ लीरा, लीरा जो इटली की मुद्रा है, वह युद्ध हर्जाना उसने वसूल कर लिया। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि उसने टायरोल के प्रति नीति, उसके बाद कर्फ्यू पर ज़बरदस्त बम बरसा की, और उसके बाद जो उसका अगला कदम है युगोस्लाविया से संधि 27 जनवरी 1924 को, और युगोस्लाविया से संधि करके फ्यूम सिटी पर उसने अधिकार कर लिया। अब जरा समझ लीजिए बच्चों, ये जो क्रोशिया है ये कभी युगोस्लाविया का इलाका था, और यहाँ पर ये जो दिखाई पड़ रहा है छोटा सा ये जो इलाका है ये फ्यूम है। मुसोलिनी ने युगोस्लाविया से संधि की और उसे लेमेंसिया के इलाके दे दिए, और बदले में उनसे फ्यूम का जो क्षेत्र है वो प्राप्त कर लिया। उसके बाद हम देखते हैं पांचवें चरण में उसने रूस के साथ बस 1924 में एक संधि की, एक व्यापारिक संधि थी, हालांकि इसका कोई ज़्यादा महत्व नहीं था, लेकिन बस ये कि हाँ उसने एक बिजनेस संधि उनके साथ, व्यापारिक कॉमर्शियल संधि तो की थी। उसके बाद हम देखते हैं छठवा जो है रोम पैक्ट वर्ष 1935 में, ये हुआ था इटली और फ्रांस के मध्य। देखिए इटली और फ्रांस दोनों के बीच में रोम जो पैक्ट है वो क्यों हुआ, क्या कारण थे, पहले हम उस पर चर्चा कर लें। रोम पैक्ट के कारण, इसमें सबसे बड़ा कारण ये था कि दोनों ही ताकतें हिटलर से भयभीत थी। जैसा कि हम जानते हैं कि जर्मनी में हिटलर की सत्ता आ गई थी और वह उसकी पूरी कोशिश थी कि वो ऑस्ट्रिया, ये जो ऑस्ट्रियन साम्राज्य है, इसको हड़प ले। अब इटली के जस्ट पास में ऑस्ट्रिया लगा हुआ है, जाहिर सी बात है अगर जर्मनी ऑस्ट्रिया हड़प लेगा तो इटली के पास में एक ताकतवर पड़ोसी पैदा हो जाएगा, ये बहुत बड़ा खतरा था। और दूसरा, फ्रांस चाहता था कि जर्मनी ताकतवर नहीं बने, क्योंकि उसे पता था कि पेरिस शांति सम्मेलन जो हुआ था उसके दौरान जो वॉर्सा की संधि हुई थी 28 जून 1919 में, तो उसने, फ्रांस ने उसके साथ बड़ा ही दुर्व्यवहार किया था, टन फॉर टन, सीलिंग फॉर सीलिंग, हर तरीके से उसे लूट लिया गया, 6 अरब $10 करोड़ का भारी भरकम युद्ध हर्जाना उस पर लादा गया था। तो वह नहीं चाह रहा था, फ्रांस नहीं चाह रहा था कि जर्मनी ताकतवर बने। इसके अलावा इटली भी चाह रहा था कि ऑस्ट्रिया जर्मनी के अधिकार में नहीं जाए। तो दोनों की नीति एक जैसी थी, क्योंकि दोनों के पड़ोस में जर्मनी बैठा हुआ था, इसलिए दोनों देश पास आए और रोम पैक्ट का जन्म हुआ। रोम पैक्ट में ये था कि भूमध्य सागर में दोनों ने एक दूसरे की सत्ता को स्वीकार कर लिया कि हाँ आपका भी है यहाँ पर और हमारा भी क्षेत्र बना हुआ है, दोनों बने रहेंगे। इसके अलावा उपनिवेशवाद में हम देखते हैं कि अफ्रीका में 44,500 वर्ग मील फ्रांसीसी क्षेत्र जो अफ्रीका में था वह इटली को प्राप्त हो गया। इसके अलावा इसमें यह तय भी हुआ कि इटली अपने उपनिवेश को बढ़ावा दे सकता है, यानी अफ्रीका की लूट में वह भी शामिल हो सकता है। तो रोम पैक्ट का बड़ा कारण क्या था, हिटलर की बढ़ती हुई शक्ति को रोकना। इसके बाद हम देख रहे हैं कि रोम पैक्ट के बाद क्या होता है, इस पर हम चर्चा करते हैं। जैसा कि हमारी चर्चा हुई थी कि इटली और फ्रांस के बीच में रोम पैक्ट हुआ 1935, और उसके बाद इंस्टेंसा की संधि हुई वर्ष 1936 में, और ये संधि हुई इटली और इंग्लैंड के बीच में। इंस्टेंसा नाम की जगह पर जो संधि हुई उसे इंस्टेंसा की संधि कहते हैं, इटली और इंग्लैंड के बीच में। इंग्लैंड भी चाहता कि इटली के साथ भूमध्य सागर में वह भी अपनी एक संधि करे, क्योंकि भूमध्य सागर का एक तरीके से बॉस जो है
वह इटली दिखाई पड़ रहा है। और इटली की साफ रणनीति है कि वह पूरे भूमध्य सागर को अपनी झील में कन्वर्ट करना चाहता है। इसके अलावा खुद इंग्लैंड के लिए भी समस्या है, क्योंकि इंग्लैंड के खुद के जैसे इजिप्ट है, मिस्र है, लीबिया वगैरह के जो इलाके हैं, इसके जो इलाके हैं, ये जो अफ्रीका में है, ये भूमध्य सागर से जुड़े हुए हैं, तो इनको खतरा होने वाला है। इसलिए इन दोनों के बीच में मित्रता होना जरूरी थी। तो स्टेंसा नाम की संधि की गई थी दोनों के पक्ष में। उसके बाद हम देखते हैं मुसोलिनी का अगला कदम, एविसिनिया पर अधिकार करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमें ये देखना है कि एविसिनिया पर अधिकार करने के लिए उसने क्या क्या कार्य किए थे। जैसा कि आप जानते हैं फ्रेंड्स कि एविसिनिया, जिसे आजकल हम इथोपिया के नाम से जानते हैं, ये एविसिनिया, इस पर अधिकार करने के लिए मुसोलिनी ने कदम उठाना स्टार्ट किया। एविसिनिया के युद्ध के क्या कारण थे, सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कारणों पर, फिर चर्चा करेंगे हम घटना पर, घटनाएं यानी इवेंट्स, और उसके बाद हम इसके रिजल्ट पर चर्चा करेंगे कि क्या कंक्लूजन निकला, परिणाम। इथोपिया युद्ध के कारण ये था कि इटली की लगातार जनसंख्या बढ़ रही थी, उसको बसाना था। इसके अलावा कॉलोनिज्म, उपनिवेशवाद को बढ़ावा देना चाह रहा था। उपनिवेशवाद के अंतर्गत वहाँ से कच्चा यानी रॉ मटेरियल उसे मिलता इथोपिया से, और वहाँ अपनी फैक्ट्रियों बनवा कर उस मटेरियल को वो अपने इस कॉलोनीज को बेच सकता था, दे सकता था। यहाँ से उसे कोयला और तमाम जो है संसाधन प्राप्त हो सकते थे, इस पर भी ये चर्चा हुई थी। तो इस तरीके से एक कारण तो यही था कि कॉलोनिज्म को बढ़ावा देना, दूसरा कारण था कि बढ़ती हुई जनसंख्या को बढ़ाना, तीसरा उस समय इथोपिया पर किसी की नज़र भी नहीं पड़ी थी, इथोपिया को किसी ने जीतने का कोई प्रयास कभी नहीं किया था, किसी का वो उपनिवेश था भी नहीं। उसके बाद हम देख रहे हैं एक बड़ा कारण वह था कि वर्ष 1896 में एडोवा नाम के स्थान पर युद्ध हुआ था। एडोवा के युद्ध में इथोपिया ने इटली को बुरी तरह से पराजित किया था वर्ष 1896 में। ये बड़ी शर्मनाक पराजय थी, क्योंकि पहली बार कोई यूरोपीय शक्ति किसी एशियाई या अफ्रीका, खासकर अफ्रीका, उससे पराजित हुई थी। इससे यूरोपियंस जो है उसकी दुर्बलता भी दिखाई पड़ी, और इससे बड़ी उनकी इंसल्ट भी हुई थी, बड़ी बेइज्जती हुई थी। और इसलिए इथोपिया की जो 1896 में जो एडोवा के युद्ध में पराजय हुई थी, उस हार का वह बदला लेना चाहता था। उसकी सोच यह थी कि कैसे भी करके वो इसका बदला ले। उसने कहा भी था कि सारा इथोपिया मुझे अगर कोई चांदी के थाल में सजाकर भी दे तो मैं उसे नहीं लूँगा, मैं उसे युद्ध के द्वारा ही प्राप्त करूँगा। उस समय राजसंघ भी दुर्बल था, और इसके अलावा उसे अच्छी तरह से पता था, क्योंकि स्टेंसा की संधि हो चुकी है, रोम पैक्ट हो चुका है, इसलिए फ्रांस और ब्रिटेन उसके मामले में रोड़ा नहीं लगाएंगे, और इस तरीके से इथोपिया की तरफ बुरा बना हो गया। लेकिन इथोपिया में जब उसने आक्रमण किया, अब याद रहे घटना पढ़ेंगे, बाब अल्वा इथोपिया की राजधानी वगैरह, इस पर जबरदस्त हमला हुआ, आदिस अबाबा पर जबरदस्त हमला हुआ 5 मई 1936 को मुसोलिनी की सेना इथोपिया में प्रवेश कर गई। 9 मई को इथोपिया की सेना ने इटली आर्मी के सामने सरेंडर कर दिया, और 9 मई को वेनिटो मुसोलिनी इथोपिया के सम्राट चुन लिए गए। इसके अलावा यहाँ का जो सम्राट था हेले लासी, वो तो भाग गया इंग्लैंड। तो इस तरीके से इथोपिया पर वेनिटो मुसोलिनी का अधिकार हो गया। इस युद्ध के क्या परिणाम निकले, सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि फ्रांस ने रोम पैक्ट के द्वारा एक तरीके से उसकी कॉलोनिज्म की यानी उपनिवेशवाद की शक्ति को बढ़ावा दिया था, और जब उसने इथोपिया पर अधिकार कर लिया तो सारी जो है जो टूटन फूटन है वो सब फ्रांस को झेलनी पड़ी। फ्रांस की लगभग सब देशों ने निंदा की, ये बड़ी समस्या थी। दूसरा, इससे ये भी पता चल गया कि राजसंघ बहुत ज़्यादा निर्बल संगठन है, वह अंतर्राष्ट्रीय शांति का कोई काम में आने वाला नहीं है। तीसरा, इसके बाद ब्रिटेन और फ्रांस से मुसोलिनी की दूरी हो गई, इटली की दूरी हो गई, और इस दौरान जो उसकी हेल्प करने वाला था एकमात्र व्यक्ति, वह था एडोल्फ हिटलर। हिटलर ने संसाधनों से, हथियारों से, रुपये पैसे से, हर प्रकार से इथोपिया के जीतने में इटली की हेल्प की थी। जाहिर सी बात है अब मुसोलिनी हिटलर के नज़दीक आने वाले थे, और इसी के बाद कालांतर में अगले ही साल रोम बर्लिन धुरी का निर्माण हुआ। कालांतर में इसमें रोम, बर्लिन और टोक्यो यानी जापान भी जुड़ गया। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि इथोपिया की जो है लड़ाई के कई सारे परिणाम निकले।
इसमें जो है एक बड़ा परिणाम ये निकला कि इथोपिया की जो शव है लहास ने पूरे यूरोप के वातावरण को विषाक्त कर दिया, पूरे वातावरण को दूषित कर दिया। ये इसका सबसे बड़ा वो था। राष्ट्रसंघ के लिए तो बहुत बड़ी मार थी ये, क्योंकि राष्ट्रसंघ कुछ नहीं कर पाया। अब हम दोबारा से लौटते हैं, तो जैसा कि हमने देखा कि एबिसिनिया को जीतने से पहले मुसोलिनी ने काफ़ी प्रयास किए। फॉर एग्जांपल रूस से मित्रता कर ली, रोम पैक्ट करके उसने फ्रांस को अपने साइड कर लिया, एस्टेंसा की संधि करके उसने इंग्लैंड को अपने पक्ष में कर लिया, और उसके बाद जब एबिसिनिया पर चढ़ाई करी तो जर्मनी का हिटलर भी उसके साथ मिल गया। तो जाहिर सी बात है कि इथोपिया कब तक टक्कर लेता, जाहिर सी बात है सरेंडर कर दिया गया, हेले लासी भाग गए इंग्लैंड की ओर। लेकिन उसके बाद जो परिणाम निकले वो बड़े खतरनाक होने वाले थे। इसके बाद क्या हुआ, मुसोलिनी जानता है कि अब इंग्लैंड और फ्रांस उसकी किसी प्रकार से कोई हेल्प करने वाले नहीं हैं। उस समय तक हिटलर भी राष्ट्रसंघ को छोड़ चुका था, और उसके अलावा एक बात और है, अब वो हिटलर की तरफ भी जा चुका था, इसलिए उसने भी राष्ट्रसंघ को टाटा बाय बाय कर दिया वर्ष 1936 में इथोपिया युद्ध के ठीक बाद। अब उसके बाद हम देखते हैं क्या घटना होने वाली है। अभी चर्चा हुई थी कि रोम बर्लिन ध्रुव की स्थापना हुई 26 अक्टूबर वर्ष 1936 को, रोम बर्लिन ध्रुव की स्थापना हुई। रोम यानी इटली की राजधानी, बर्लिन यानी जर्मनी की राजधानी, यानी ये दोनों एक हो गए। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि पहले जर्मनी और इटली एक नहीं थे। जब जर्मनी ने 1934 में ऑस्ट्रिया को कवर करने का प्रयास किया तो इटली ने ऑस्ट्रियन बॉर्डर पर, अपने ऑस्ट्रियन बॉर्डर पर सेना खड़ी कर दी थी। जाहिर सी बात है हिटलर को अपना अभियान पीछे की ओर हटाना पड़ा, खींचना पड़ा, तो उस समय तो बात नहीं बन पाई। लेकिन इथोपिया युद्ध में हिटलर ने बड़ा सपोर्ट किया था उसको, इसलिए रोम बर्लिन धुरी यानी रोम बर्लिन एक्सिस का निर्माण हुआ। 26 अक्टूबर वर्ष 1936 को ये संधि हुई। इसमें यह तय हुआ कि हिटलर जब ऑस्ट्रिया और हंगरी को जीतेगा, इसके अलावा चेकोस्लोवाकिया का वो अपहरण करेगा, और ऑस्ट्रिया हंगरी को जीतेगा, तो इटली उसमें चुप रहेगा। बदले में हिटलर ने इथोपिया पर इटली का अधिकार को मान्यता दे दी। इसके अलावा दोनों ने फैसला किया कि वो समाजवाद का विरोध करेंगे। तीसरा उन्होंने फैसला किया कि वह स्पेन को सपोर्ट करेंगे, जो जल्दी ही सिविल वॉर में ग्रस्त होने वाला था। तो ये जो दिखाई पड़ रहा है कि एबिसिनिया के बाद जो उठापटक हुई है वो बड़ी ज़बरदस्त हुई है। और उसके बाद हम देखते हैं कि रोम बर्लिन जो धुरी की स्थापना हुई, और उसके बाद अल्बानिया पर अधिकार हुआ वर्ष 1936 में। अब हम इसको जान लें कि ये क्या है, अल्बानिया पर जो अधिकार हुआ है वर्ष 1936 में ये क्या है। देखिए अल्बानिया ये इटली है और ये अल्बानिया, इटली और अल्बानिया के बीच में टॉरटेंटो की जल संधि है जो अरबिक सी को आयोनिक सी से मिलाती है। उसकी सोच यह है, मुसोलिनी की सोच यह है कि पूरी टॉरटेंटो की जल संधि पर वो अपना अधिकार कर ले, और इसके लिए उसको अल्बानिया जीतना जरूरी था। अब प्रॉब्लम यह थी कि उसने इसके लिए भी रणनीति बना डाली। रणनीति ये बनाई गई कि पहले इटली ने अल्बानिया को डर दिखाया कि उसके ऊपर बुल्गारिया हमला करने वाला है, और ये डर दिखाया गया कि बुल्गारिया उसके ऊपर हमला करेगा, और इस बहाने इटली के अधिकारी और सैनिक अल्बानिया में प्रवेश कर गए, और उन्हें सैनिक प्रशिक्षण देने का उनको बहाना बनाया गया कि हम आपको ट्रेनिंग देंगे ताकि आप अच्छे से उनसे लड़ पाओगे बुल्गारिया वालों से। ये सब बहाना था। बाद में गुड फ्राइडे के दिन पूरी सेना चली गई और अल्बानिया पर अधिकार कर लिया। टॉरटेंटो जो जल संधि है उस पर भी पूरी तरह से अधिकार हो गया। इस तरीके से हम देख रहे हैं कि तुर्की के पास में पहले से ही वो डॉडेकनीज और रोड्स ले चुका है। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि यहाँ पर उसने ऑरलेंटो जल संधि पर कब्जा कर रखा है। इधर उसके पास सॉर्डिनिया प्रांत ऑलरेडी पहले से ही है। अब उसकी रणनीति अगली तरफ बढ़ रही थी, स्पेन से संबंध। स्पेन एक बड़ी ताकत थी, इस पर अधिकार नहीं हो सकता था, लेकिन स्पेन से मित्रता हो सकती थी। वह ये चाहता था इटली का मुसोलिनी कि भूमध्य सागर में उसके विरुद्ध कोई गठबंधन नहीं बन पाए, कोई स्पेन से मित्रता न कर ले। स्पेन में इस समय बड़ी समस्या थी। प्रथम विश्व युद्ध में स्पेन बड़ा तटस्थ था रहा और खूब सारा पैसा कमाया, लेकिन भ्रष्टाचार ज़्यादा बढ़ गया। तो कई प्रकार की वहाँ पार्टियाँ आ गई, समाजवादी पार्टी काम कर रही थी वहाँ, गणतंत्रवादी पार्टियाँ भी थी, तमाम थे, और ये उठापटक शुरू हो गई। जाहिर सी बात है बेनिटो मुसोलिनी और जर्मनी के हिटलर
दोनों ही स्पेन को अपने पाले में रखना चाहते थे। अगर समाजवादी पार्टी या रिपब्लिकन्स पार्टी की सत्ता आ जाती तो ये इंग्लैंड की तरफ चला जाता, फ्रांस से मित्रता कर लेता। तो इन्होंने क्या किया कि स्पेन में जो सिविल वॉर चल रहा था, गृह युद्ध चल रहा था, और उसमें जनरल फ्रेंको जो डिक्टेटर थे उनको सपोर्ट कर दिया इन्होंने। जनरल फ्रेंको की सत्ता बनवा दी वर्ष 1936 में। 36 से लेकर 39 तक स्पेन में जबरदस्त गृह युद्ध चला और इसमें जबरदस्त सपोर्ट किया था इटली के वेनेटो मुसोलिनी ने। इस प्रकार से वहाँ अपनी सरकार इन्होंने बिठा दी। इसके पीछे उसका मेन उद्देश्य था कि स्पेन में कोई उसकी विरोधी सत्ता नहीं आए और वह भूमध्य सागर को अपने पूरे कंट्रोल में कर ले। तो इस तरीके से उसने स्पेन के साथ अपने संबंध मजबूत कर लिए जनरल फ्रेंको को वहाँ का डिक्टेटर बनाकर। उसके बाद शुरू होता है सज्जन समझौता, जेंटलमैन एग्रीमेंट, 2 जून वर्ष 1937 में। ये हुआ था इंग्लैंड और इटली के बीच में। दोनों ने भूमध्य सागर में अपनी अपनी ताकत को स्वीकारा कि दोनों एक दूसरे की सत्ता को सम्मान देंगे। दूसरा, इंग्लैंड ने इटली को थोड़ा नेवी बढ़ाने का जो उसकी काफ़ी पहले से मांग थी उसको स्वीकार कर लिया। इसके अलावा उसके जो उपनिवेश हैं उनको अपना आगे बढ़ा सकता है, उपनिवेशवाद की जो नीति है इटली की उसको बढ़ावा दे सकता है। तो ये भी उसने स्वीकार कर ली। किसने? इंग्लैंड ने। दरअसल इंग्लैंड की सोच ये थी कि इटली कैसे भी हो उसके पक्ष में आ जाए, कहीं ना कहीं वो हिटलर की तरफ ना जाए, उसकी पूरी कोशिश ये थी। लेकिन ये सब कोशिशें उसकी बेकार होने वाली थी क्योंकि ऑलरेडी मुसोलिनी हिटलर के साथ एक अच्छा सा एक वेडिंग कर चुके थे, क्योंकि दोनों ही डिक्टेटर थे, सेम एक दूसरे को समझते थे। अब उसके बाद जब इंग्लैंड और इटली के बीच में जो जेंटलमैन एग्रीमेंट हुआ तो वो कोई जेंटलमैन एग्रीमेंट नहीं था। उसके बाद चर्चा होगी इटली और जर्मनी के बीच स्टील पैक्ट को लेकर, फौलादी समझौता हुआ 22 मई सन 1939 में। देखिए, ये समझौता पहले से ही हो चुका है उन लोगों के बीच, उसी समझौते का एक विस्तार था। इस समझौते में तय हुआ कि दोनों देश एक दूसरे को जरूरत पड़ने पर सैन्य सहायता देंगे। अगर युद्ध होता है तो दोनों देश आपस में मिलकर काम करेंगे, एक दूसरे को सैनिक सहायता देंगे। ये था जो है स्टील पैक्ट। अब हम पढ़ेंगे मुसोलिनी के जो है ऑस्ट्रिया के साथ क्या संबंध थे। जैसा मैं आपको बता चुका हूँ कि वर्ष 1934 में जब हिटलर ने ऑस्ट्रिया का अपहरण करने का प्रयास किया, ऑस्ट्रिया को जीतने का प्रयास किया, तो मुसोलिनी को लगा कि उसके पास में एक ताकतवर पड़ोसी पैदा हो रहा है, इसलिए उसने पहले से इस पूरे क्षेत्र में अपनी सेना तैनात कर दी। हिटलर को अपना कदम पीछे हटाना पड़ा क्योंकि उस समय हिटलर को कोई खास मित्र नहीं था, उसे यूरोप में एक मित्र चाहिए था ना। उसका उस समय रूस मित्र था, फ्रांस एक नंबर का पक्का दुश्मन था, इंग्लैंड से भी उसकी कुछ खास नहीं चल रही थी। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि 1934 में उसको कदम पीछे हटाने पड़े थे, और ये इसकी वजह मेन था बेनिटो मुसोलिनी। लेकिन उसके बाद जैसा कि हम देखते हैं कि रोम और बर्लिन जब पैक्ट हुआ वर्ष 1936 में, तो हिटलर ने मुसोलिनी ने हिटलर को ऑस्ट्रिया और चेकोस्लोवाकिया जीतने का अधिकार दे दिया। बदले में हिटलर ने इथोपिया पर इटली की मान्यता को स्वीकार कर लिया, उसके अधिकार को मान्यता दे दी। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि पहले वह ऑस्ट्रिया के स्वतंत्रता का पक्ष था, लेकिन बाद में हिटलर की वजह से वह उसके अपहरण के उसके विनाश में शामिल हो गया था। अब हम देखते हैं द्वितीय विश्व युद्ध और इटली। 1 सितंबर सन 1939 को हिटलर ने पोलैंड के बिलोन शहर पर जबरदस्त बमबारी की, और 2 और 3 सितंबर को ब्रिटेन और फ्रांस ने जर्मनी के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। इस तरीके से सेकेंड वर्ल्ड वार स्टार्ट हो गया। अब स्टील पैक्ट के तहत बेनिटो मुसोलिनी को सपोर्ट करना था, इसके अलावा रोम बर्लिन टोक्यो एक्सिस बन चुकी थी, उसके तहत भी इटली को यानी मुसोलिनी को हिटलर को सपोर्ट करना था, जर्मनी को सपोर्ट करना था, लेकिन वह युद्ध में लेट उतरा। इसके पीछे दो कारण थे, एक तो वो स्पेन के गृह युद्ध यानी सिविल वॉर से थका हुआ था इसलिए उसकी सेना थोड़ा थकान में थी, एक कारण तो ये था। दूसरा कारण ये था कि मुसोलिनी की सोच ये थी कि जब मित्र राष्ट्र थकेंगे तब वह उन पर हमला करेगा। तो जाहिर सी बात है कि 2 जून वर्ष 1940 को वेनेटो मुसोलिनी ने यानी इटली ने सेकेंड वर्ल्ड वार की घोषणा की, यानी द्वितीय विश्व युद्ध उतरने का ऐलान कर दिया।
क्योंकि उस समय फ्रांस हारने वाला था। तो उसके बाद देखते हैं कि 40 के बाद हम देखते हैं उसने सिसिली पर, ग्रीस पर, यूक्रेन पर, साइप्रस पर, ये पूरे इलाकों पर, पूरा और जो बचे खुचे इलाके थे उनको भी अपने अधिकार में कर लिया। उसके बाद हम देख रहे हैं कि लगभग 3 साल तक ये स्थिति बनी रही। उसके बाद जब सिसिली पर मित्र राष्ट्रों ने अधिकार किया तो विक्टर एमनुअल जो इटली के सम्राट थे उनका प्रधानमंत्री मुसोलिनी पर से विश्वास हट गया और उन्होंने उसको हटा दिया। लेकिन हिटलर ने अपने पैराट्रूपरों को उतार कर वहाँ भेज कर दोबारा से उसकी सत्ता स्थापित करवा दी इटली में मुसोलिनी की। तो इस प्रकार से ये सब चीज़ चलती रहीं। आगे चलकर हम जानते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वार में जब अमेरिका युद्ध में कूदा, इसके अलावा रूस कूदा, 22 जून 1941 को जब हिटलर ने सोवियत संघ पर हमले का आदेश दिया तो 23 तारीख को इटली ने भी रूस पर यानी सोवियत संघ पर हमले का आदेश दे दिया। उस तरीके से 7 दिसंबर को जब पार्ल हार्बर कांड हुआ 1941 को, जापान जो है सेकेंड वर्ल्ड वार में कूदा, अमेरिका के खिलाफ उसने कार्रवाई की, तो उसके बाद इटली ने और फ्रांस ने उसने भी जो है अमेरिका के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। तो इस प्रकार से देखते हैं कि वो जो विश्व युद्ध में वो जबरदस्त तरीके से उसने भी भागीदारी ली थी इटली ने भी। और इसके बाद हम देखते हैं कि 1943 के बाद उसकी स्थिति बिगड़ती चली गई और मित्र राष्ट्रों ने हर तरीके से इटली पर कवर करना स्टार्ट कर दिया। अमेरिका के युद्ध में उतरने का मतलब है 50 और राष्ट्रों का युद्ध में उतरना। नतीजा ये हुआ कि एक्सिस पावर यानी रोम, बर्लिन और टोक्यो जो तीनों ताकतें थी, जर्मनी, इटली, फ्रांस, तीनों की पराजय होना स्वीकार हो गई। उसके बाद हम देखते हैं कि 12 अप्रैल 1945 को मुसोलिनी अपनी प्रेमिका प्रत्याची के साथ गिरफ्तार हो गए और 18 अप्रैल 1945 को मिलान के चौराहे पर उनकी प्रेमिका प्रत्याची और मुसोलिनी दोनों की गोली मारकर हत्या कर दी गई और दोनों के जो शव हैं हफ्तों तक वहीं मिलान के चौराहे पर टंगे रहे। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि उसकी मृत्यु के साथ ही उसकी विदेश नीति, फासिस्ट पार्टी की विदेश नीति भी समाप्त हुई। अब मूल्यांकन में हम देख रहे हैं कि हिटलर जो नाजीवाद का समर्थक था तो ठीक वैसे ही मुसोलिनी जो था जिसे सेकंड ड्यूस भी कहा गया, नेता कहा गया, वह फासिस्टवाद का समर्थन था। फासिज्म का उसने समर्थन किया, उसको आगे बढ़ाया, उसने हिटलर को सपोर्ट किया और हिटलर के सपोर्ट करने के साथ ही जब वर्ल्ड वार स्टार्ट हुआ तो उसमें वो शामिल हुआ और ये सब घटनाओं के कारण ही उसकी हत्या हुई। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि ये पूरा की पूरा उसका जो बनाया जो मंसूबा है वो समाप्त हुआ। धन्यवाद।